ओ माय गॉड, ew, यार तुम कितने गलीज हो। पूछा मैंने कुछ? शूटिंग देखा तू तो सही बनाओ, ऐसा मुंह बनाया जैसे टट्टी आई है मुनीर। मेरी क्या, इसको मैंने पैसे दिए हैं, इसको 50 रुपए दिए, एक्टिंग सही नहीं करा यार। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। रुला दिया तुमने बेचारी को भाई, रुला दिया तुमने, कोई आ नहीं तुम्हारा भाई। मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुमने उसको उसकी चॉकलेट तुम छीन के भागी हो भाई। अमला जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और यार फाइनली दिन में आपके भाई का इंट्रो हो रहा है, सुबह सुबह का वक्त है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है। वैसे तो धूप हमारी यहाँ पे निकलती नहीं है, लेकिन आज थोड़ी ही धूप निकल रही है। उनको पता है डक्की भाई ने जो है ना व्लॉग स्टार्ट करना है, तो थोड़ा उसके लिए डर गई अल्लाह की कसम। डर गई। तुम कहाँ से आई हो भाई, ये तुम कहाँ से आई हो? साइलेंस में आई थी। अरे क्या डराना शुरू किया है तुमने भाई। देखो आज डक्की भाई ने जो है व्लॉग स्टार्ट करना है, तो धूप निकाल दी है कुदरत तेरे भाई लेवल की, है ना। वैसे धूप नहीं होती, वैसे नहीं होती, गुड हो गया जी। क्या तुम लोग को याद होगा पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग को बोला था कि यहाँ पे हमारी एक ट्रेडमिल पड़ी होती है, ये वाली ट्रेडमिल जो है ना हम लोग कर रहे हैं सेल। वो जो है हमने कर दी है सेल, बंदा आके ले गया है। अरूप उसके बाद सफाई भी तो करनी ही ना यार, जो यहाँ पे सालों से नहीं हुई ट्रेडमिल की वजह से। यार निकल। मुझे तुमने सफाई के लिए रखा है या बीवी बना के रखा है? सफाई के लिए। एनीवेज यहाँ पे जगह वावाई बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीजें हटती जाएंगी, ताकि हम लेवल का जो है ना यहाँ पे कोई लेवल का काम शाम तो स्टार्ट करें ना भाई। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सब कहना तो व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो आज जो है ना मेरे पास तुम लोगों के लिए एक न्यूज भी है कि हम लोग अगला ट्रिप कहाँ पे मार रहे हैं वो डिसाइड हो चुका है, और हम लोग मार रहे हैं जन्नत जा रहे हैं हम। वो नहीं हो पाएगा, वी आर गोइंग टू हेवन। तुम्हारे जो करतूत है उसे लग नहीं रहा कि तुम जन्नत जाओगे भाईजान। बहुत प्यारी जगह है, उस जगह का नाम है सी शेल्स। मैंने खुद नहीं उस जगह का नाम सुना हुआ था फिर, लेकिन आपको पता है आपके भाई के ताल्लुकात ही बहुत है, लोग इनवाइट करते हैं दूर दूर से, आउट ऑफ कंट्री से। तो बाइनेंस वालों ने दोबारा से हमें इनवाइट किया, जैसे हम लोग लास्ट टाइम टर्की गए थे, तो इस बार जो है उन्होंने दोबारा से इन्वाइट किया है सी शेल्स में। मैंने गूगल पे फोटोज देखी, बड़ा मजे का था भाई, लेवल हो क्या नेचर थी भाई, आईलैंड थी बड़े मजे की भाई। और कितनी अच्छी बात है, हमेशा बाइनेंस मुझे भी साथ बुलाते हैं। तुम्हें नहीं बुलाता, उनसे मैंने तल्ले मिनते करके गए कि रूप को भी साथ लाने दे, उसने रोते रहने। फिर बुलाया उन्होंने मुझे है, मैं तो उनके भीख मांग मांगे तल्ले मिनते करके पैर फाड़ के मैंने उसको बोला कि यार रूप का भी कोई फ्लाइट स्लाइड कर दें, कोई अकोमोडेशन वगैरह कर दें, वरना वो फिर वो अकेली फील करती है भाई, गजब बेइज्जती है। एनीवेज आज जो है ना हमें 3-4 काम है जो मुकाने हैं पैकिंग से पहले। एक वीडियो बनानी है स्कूटर की भाई, और स्कूटर वालों ने जो है ना हमें कहा था डक्की भाई हमारे स्कूटरों का जरा एड तो बना दो। अच्छा, तो इसलिए जो है आपके भाई ने जो है फवाद खान रेडी कर ली है स्कूल के कपड़ों में। वीडियो शूटिंग बनाने के बाद स्कूटी मिलेगी ना मुझे? नहीं नहीं, स्कूटी तो उनको वापस देनी है, वो वीडियो के लिए बस आपको रखा हुआ है। आपकी जो फीस है 70 रुपए वो आपको मिल जाएंगे। तो हमें जो है ना स्कूटी का एड बनाना है आज, वो एड तुम लोग को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। असल में तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इसलिए तुम लोग को पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पे भी शुगर लगता रहता है भाई। चुप कर कुत्ते। छोटी एक बच्ची है वो रूप से डर रही है, रूप डांटा ना तुमने उसकी चॉकलेट छीन के भाग गई है तुम। रूप रो रही है तुम्हारी वजह से। क्या हुआ भाई ने आपको मारा? भाई ने नहीं तुमने मारा, तुम सारी चॉकलेट उसकी चुरा के भाग गई हो। रूप चुप कराओ यार, उसको जाओ जपी डाल लो। अच्छा कोई रो नहीं रही है, एक्टिंग कर रही है वो, तुमसे डर रही है रूप। ओहो अरूप रुला दिया ना तुमने, वो नहीं तुमसे बात करना चाहती, तुम पीछे लगी हुई हो उसके। हैं रुला दिया तुमने बेचारी को भाई, रुला दिया तुमने, कोई आ नहीं तुम्हारा भाई। मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुमने उसको उसकी चॉकलेट तुम छीन के भागी हो भाई। अच्छा आपने ना ऐसे एक्ट करना है कि आप स्कूल से लेट हो रहे हो और पेट्रोल कोई नहीं है, तो आपने जो है ना स्कूटर लेके जाने, इस तरह से एक्टिंग करनी है आपने। ओके 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 ओके, ओके, ओके। अम्मा मैं स्कूल से लेट हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं स्कूटी में। मुनीर इतनी गंदी एक्टिंग यार, मुनीर नजर आओ यार। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, एक्टिंग तो अच्छी करो ना यार। स्कूटर वालों ने पैसे दिए यार, वो कहेंगे इतना बुरा एड। अच्छा आ रहा हूं आ रहा हूं। अच्छा वीडियो बनाने के बाद स्कूटी रख सकता हूँ ना मैं? स्कूटी क्यों रखनी है भाई, पैसे दे रहे हैं वो। क्या मैं, मुझे भी चाहिए यार कुछ। आपको फीस मिल रही है ना आपकी 50 रुपए, आपकी एक्टिंग फीस 50 रुपए मिल रहे हैं, और 50 रुपए ओवर एक्टिंग के भी काटने हैं, तो यानी कि आपको मिलेगा ठुल्ला। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या हुआ, हंसी आ रही हो? यार मैं एक्टिंग सही कर लूंगा, लेकिन उनको मुझे स्कूटी तो रखने देना। ओ यार वो पैसे दे रहे हैं वो, उन्होंने क्यों देनी है स्कूटी भाई? यार वो पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कहना है कि जो हम पैसे दे रहे हैं उसमें से काट लेनी है स्कूटी की प्राइस। मेरी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर पैसे? पैसे। अच्छा फटाफट एक्टिंग करो यार, ठीक है भाई वीडियो शूट बनाते हैं, अभी आधा पौना घंटा लगेगा, मिलते हैं स्कूल से। A few inches later. शूटिंग देखा गया। वो तो सही बनाओ, ऐसा मुंह बनाया जैसे टट्टी आई है मुनीर। मेरी क्या, इसको मैंने पैसे दिए हैं, इसको 50 रुपए दिए, एक्टिंग सही नहीं करा यार। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने। One hour later. हाय, तो यार शूटिंग वूटिंग हमारी हो गई थी, अभी हमने हायर करनी है पैकिंग। वैसे तो सीशेल्स हमने जाना है 2 दिन बाद, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं कराची, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक दो काम है, फिर वहाँ से जाएंगे सीशेल्स, फिर वहाँ से जाएंगे आगे जहाँ पे भी जाना है। तो करिए पैकिंग फिर। हाँ जी, हाँ जी।
काम शुरू कर। लेट्स स्टार्ट। डिले ना कर वे, टाइम जाया ना कर। मैंने अपनी पैकिंग कर भी ली। अरूप क्यों की है? मतलब मैंने व्लॉग बनाना था यार। अरूप ने जो है पैकिंग शैकिंग कर ली है सारी, तो इसी तरह मेरा भी बैग तुमने पैक कर देना। हाँ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है बस। तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक यूनिट नहीं है? मेरा काम तुम्हारा काम, तुम्हारा काम मेरा काम। तुम सिर्फ अपना बैग पैक करके बैठ गई हो, मेरी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं। तो अपना भी हम लोग जो है ना सामान सामान पैक कर लेते हैं। ओए 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 इतने आ जाओ। ओए 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 चलो जी अरूप फटाफट कपड़े निकालो यार। ओए 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 भाई अरूप तो बहुत स्लो है, सारा काम मैं ही कर लेता हूँ। मैं पूरी अलमारी लेके जा रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं कि डक्की भाई आप एक ही शर्ट के अंदर पूरा दुबई फिर लिया। अब देखना भाई, ऐसे ही आपके भाई की हर घंटे शर्ट चेंज हुआ करेगी भाई। बदबू फिर भी नहीं जा रही तुम में से। बात तो सही है। साथ की पैकिंग आप लोग देख सकते हैं, गन खराब है, इसने मचा दी है। इतनी मैंने तह लगा के चीज रखी थी और पैकिंग शैकिंग माशाल्लाह से हमारी हो गई है। अब पासपोर्ट रखो रूप जल्दी से। तो भैया हमारे पासपोर्ट हैं, ठीक है, एक दो तीन चार। और तुम लोग सोच रहे हो कि डक्की भाई चार चार पासपोर्ट क्या करने हैं? तो भैया ये मेरा असली वाला पासपोर्ट है, ये मेरा जाली पासपोर्ट है जिसपे आपके भाई ने स्मगलिंग करनी होती है। ये अरूप की स्मगलिंग वाला पासपोर्ट है। तो ये चौथा पासपोर्ट जो है अरूप जब ड्रग्स करते हुए पकड़ी जाती है तो उसको जो पकड़ाना होता है ना कोई डॉक्यूमेंट, वो फिर ये पकड़ाती है। मजाक करना, हमारे पुराने पुराने पासपोर्ट है। आओ जी 360 कैमरा ये भी डन है। ये रहा मेरा माइक रिकॉर्डिंग के लिए, ये रहा माइक मेरा दूसरे कामों के लिए, ये रही मेरी एप्पल वॉच, ये रहा मेरी लाइट, ये रही मेरी वॉशिंग मशीन, ये रहे मेरे फोन के चार्जर, ये रहे मेरे हेडफोन्स। चलो जी चलिए फिर लेट्स गो। ये भी जो है ना लैपटॉप वगैरह भी पैक कर लेते हैं जी। अरूप यार आधे काम तो तुम छोड़ देती हो यहीं पे हैं। भाई तुम लोग सोच रहे हो कि डक्की भाई अभी तक आप ये वाला लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो जो अरूप ने आपको गिफ्ट दिया था, वो वाला मैकबुक क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? हम लोग अभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि अरूप जो है पुराना मॉडल ले आई है यार। अब तुम ही मुझे नया मॉडल लेके दोगी तो इसका क्या करेंगे फिर? ये बेच के ऊपर पैसे मिला के तुम्हारे खर्चे काट करके मुझे नया मॉडल मैकबुक का लेके देना है, इसलिए जो है ना हम लोग मैकबुक नहीं इस्तेमाल करते। A few inches later. तो हमारी हो गई है पैकिंग डन। हमारा ये येलो वाला बैग भी डन है, हमारा ये अरूप का बैग भी डन है, हमारा ये वाला बैग भी डन है, हमारा ये छोटू भी डन है। बस अब हमें यहाँ से फ्लाइट पकड़नी है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, अभी एक दो घंटे हमारे पास थोड़ा रिलैक्स लूज करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मामा को तो बताया नहीं कि हम जा रहे हैं। अरूप तुम्हारे जिम्मे होना चाहिए था यार। थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो अरूप उसके बाद तुम्हारी जिम्मे बनता है ना कि तुम मामा को खबर दो ना यार। वो घंटे पहले मुझे ये बात बताई गई कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैंने जिस पैनिक में पैकिंग की, पासपोर्ट्स ढूंढे सारी चीजें, तो पर तुम स्मार्ट ना लेके जाते हो भाई। अब मामा को बताएंगे, मामा ने फिर सो सुनानी है कि यार आप चले गए चले गए चले गए। अरूप इस बार की डांट तुम खा लो। नहीं कुछ इस बार की डांट तुम खा लो। एनीवेज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओके।